हे एवरीवन वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन तो इस वीडियो में हम लोग सेशन 18 कवर करने वाले हैं वर्ड पार मेडिजी बुक का एंड कल जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया था सेशन तो सेशन 18 और 19 जो है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे एंड कल से फिर से मतलब जो जो हमारा ट्रैक चल रहा है रेगुलर ट्रैक जो चल रही है मतलब हर दिन एक सेशन करना तो कल जो है आपका ट्वेंटी है तो ट्वेंटी सेशन करेंगे ठीक है बिकॉज हमने फर्स्ट ऑफ जनवरी से लाइक रेजोल्यूशन लिया कि हर दिन हम एक सेशन करेंगे इस बुक का एंड आज नाइनटीन है तो एट्टीन और नाइनटीन को आज हम ट कर लेंगे बिकॉज कल का 18 का एक बैकलॉग रहता है तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे ठीक है एंड जैसे कि आप सभी को पता है प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं अगर आपने लाइक प्रीवियस सेशन इससे पहले नहीं देखे हैं तो सेशन वन टू सेवनटीन का, का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें जाके आप प्रीवियस सेशन को जाके वॉच आउट कर सकते हैं ठीक है एंड बाकी अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अगर वहां पर आपका इंग्लिश का सिलेबस पूछा जाता है या इंग्लिश जो है सब्जेक्ट अगर उसमें आएगा तो वो कैब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का ठीक है बिकॉज वो कैब अगर आप अच्छे से कर लेते हो उसके बाद ग्रामर के टॉपिक्स आपके लिए और ज्यादा ईजी हो जाते हैं समझना तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जो इनिशियली जो पर बुक चूज की है आ, जो कि सबसे अच्छी बुक है बिगन, बिगनर के लिए वो है आपका वर्ड पारमेडीसी तो चाहो तो आप इसको गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सबसे पहले हम ये बुक कम्पलीट कर रहे हैं ताकि हमारा वो कैप जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाए एंड उसके बाद फिर बाकी जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है वो हम लोग करने वाले हैं तो लाइक आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या बीएससी पारामेडिकल या फिर आप जो है सीयू दे रहे हो या यूपीएससी सीडीएस दे रहे हो एनडीए का एग्जाम दे रहे हो एफ ट का एग्जाम दे रहे हो ठीक है या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आप अपनी एस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ये जितने भी सारे लेक्चर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ठीक है तो बैंक वगैरह एग्जाम बैंक के एग्जाम्स वगैरह में भी जो इंग्लिश आती है तो वहां और एस एस के जितने भी एग्जाम्स हो गए तो उन सभी के लिए ये जो सीरीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा एंड रेगुलरली फॉलो कर लोगे तो ये है कि धीरे धीरे आपकी भी इंग्लिश काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी ठीक है तो प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाके चेकआउट कर लो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो सो so दैट कि जब मैं इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत तो मिल जाएगा तो यहां जो सेशन 18 है उसमें बेसिकली हम एक रिवीजन करने वाले हैं बिकॉज सेशन 1 से लेके 17 में जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं जितने भी रूट वर्ड्स को हमने सीखा है उसका एक ओवरव्यू लेने वाले है ठीक है तो इसमें यही लिखा है पहला पॉइंट बिकम पॉइंटेड और परहैप्स री एक्वेंटेड विद अप्रोक्सीमे थ्री हंड्रेड टू थ्री एक्सप्रेसिव वर्ड्स ठीक है तो अभी तक सत्रह सेशन में हमने लगभग तीन से साढ़े

हम क्या करेंगे तीन या चार वीडियोस में सिर्फ रिवीजन रिवीजन करेंगे तो दस दस सेशन उठाएंगे और जितने वन, वन से लेके टेन फिर इलेवन से, से आपका थर्टी फिर फोर्टी वन से जितनी भी जितने जो भी होंगे तो दस दस सेशन एक एक वीडियो में इंक्लूड करेंगे जिसमें सिर्फ हम रिविजन करेंगे ठीक है देखो क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आप उस चीज को अपने दिमाग में रख पाते हो बिकॉज अगर आप अपने दिमाग में रख ही नहीं पाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इतना टाइम देने का ठीक है तो रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है तो सेशन एटीन में हम थोड़ा सा रिविजन ही करने वाले हैं यहां पर तो हम क्या करेंगे जो हमने रूट वर्ड्स को पढ़ा है उनको एक बार रिवाइज करेंगे ठीक है तो पहला यहां पर रूट वर्ड है ईगो ठीक है फर्स्ट सेशन में ही हमने ईगो के बारे में पढ़ा था जैसे हमने कुछ वर्ड वर्ड्स पढ़े थे ईगो से रिलेटेड जैसे ईगोइस्ट हो गया ईगोइज्म हो गया ठीक है ईगो सेंट्रिक हो गया ईगो मेनियक हो गया ईगो मेनियकल हो गया ठीक है इतने सारे हमने वर्ड्स पढ़े थे क्लियर है तो यही ईगो वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है ईगो का मतलब हमने क्या देखा था आई या फिर मी या फिर सेल्फ इसका मीनिंग क्या होता है मतलब खुद मतलब जो खुद के बारे में बातें करें मतलब उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है ठीक है मतलब अहंकारी तो ईगो का मतलब यहां पर क्या है आई मी या फिर सेल्फ हो गया ठीक है नेक्स्ट यहां पर वर्ड है मिसीन मिसीन का मतलब क्या होता है टू हेट ठीक है मिसीन का मतलब क्या होता है टू हेट जैसे कि मिजेन्थ्रोप हमने पढ़ा था तो मिजेन्थ्रोप का मतलब जो कोई व्यक्ति क्या करे इंसानों को या मैन काइंड को हेट करे ठीक है तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें मिसीन या मिस आगे लग जाता है तो वो क्या होता है उसका मतलब क्या होता है टू हेट यानी कि किसी से घृणा करना ठीक है जैसे हमने मिसन करके एक वर्ड पढ़ा था और भी हमने पढ़े थे मिसोजिनिस्ट पढ़ा था ठीक है मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या था जो वुमेन को हेट करता, तो मतलब जो, जो करता है तो आप देख सकते हो इसमें एग्जाम्पल भी दिए जैसे उसमें मिजन का दिया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है गेमोस तो गेमोस का मतलब क्या था मैरिज ठीक है जैसे हमने गेमोस के बारे में पढ़े थे कुछ वर्ड जैसे बाई हो गया मोनोगेमी हो गया या पॉलीगेमी हो गया ठीक है तो ये सारे जो है हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे तो गेमोस का मतलब यहां पर क्या मैरिज होता है तो बाईगमी का मतलब जो कोई व्यक्ति दो मैरेजेस करे पॉलीगैमी का मतलब जो दो से ज्यादा मैरेजेस करता है तो उस प्रथा को हम पॉलीगैमी कहते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट उसके बाद है गायनी या जाइनी भी आप बोल सकते हैं उसको तो गायनी का मतलब यहां पर क्या होता है रिलेटेड टू आपका फीमेल हो गया ठीक है ये रिलेटेड टू वीमेन हो गया तो गायनिकोलॉजी का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जो फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनकी जो डिजीजेस वगैरह की स्टडी होती है या फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो फंक्शनिंग है वो कैसी होती है ये सारी जो चीजें पढ़ते हैं वो हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं गायनकोलॉजी में पढ़ते हैं और इसी से हमने एक और वर्ड देखा था जो था गायनिकोलॉजिस्ट या जीनेकोलॉजिस्ट उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है जीनेकोलॉजिस्ट तो जीनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या था ऐसा डॉक्टर जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है उनकी जो डिजीजेस या उनके जो फंक्शंस है उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन देता है तो ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम गायनेकोलॉजिस्ट या जिनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डर्मा डर्मा का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू स्किन ठीक है जैसे हमने डर्मेटोलॉजी पढ़ा था या डर्मेटोलॉजिस्ट पढ़ा था तो इसका मतलब क्या है डर्मेटोलॉजी का मतलब जो ब्रांच साइंस की या मेडिकल फील्ड की ब्रांच जो स्किन से रिलेटेड रिलेटेड होती है यानी कि स्किन के बारे में आपको सिखाया जाता है ठीक है कि उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उसके ट्रीटमेंट है ठीक है यही सारी चीजें डर्माटोलॉजी में की जाती है डर्माटोलॉजिट कौन होते हैं स्किन के जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं उन्हें हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं नेक्स्ट यहां पर वर्ड है ऑर्थोस ठीक है तो ऑर्थोस का मतलब क्या होता है स्ट्रेट ऑर्थोस का मतलब क्या होता है स्ट्रेट जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया ऑर्थोडोंशिया और एक और हमने वर्ड देखा था ऑर्थोपीडिस करके ठीक तो है, है, है तो ऑर्थोडोंशिया जो ये वर्ड है ऑर्थोडोंशिया में ऑर्थोस एक वर्ड है और ओडोंशिया करके एक वर्ड है तो ऑर्थोस का मतलब क्या होता है स्ट्रेट और ओडोंशिया का मतलब रिलेटेड टू टीथ या टूथ यानी कि दांतों को सीधा करने वाला जो डॉक्टर होता है उसे हम ऑर्थोडॉन्टिस्ट कहते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था ऑर्थोडॉन्टिस्ट कौन होते थे जो लाइक जिनके दांत जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही नहीं होता आगे पीछे दांत होते हैं उनको जो सीधा करते हैं ब्रेसेस वगैरह लगा के या जो भी उनकी टेक्निक्स होती है तो ऐसे स्पेशलाइज डेंटिस्ट जो होते हैं उन्हें हम ऑर्थोडिस्ट कहते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है सीकी ठीक है इसे साइक भी आप बोल सकते हो लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीकी होता है पी एस वाई सी एच ई तो सीकी का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड ठीक है अगर किसी भी जगह पर माइंड uh, से रिलेटेड बातें की जा रही हैं जैसे सीकोलॉजी हो गया या साइकोलॉजी आप जिसको बोलते हो सीकोलॉजी ठीक है या सीकोपैथ हो गया ठीक है और या सिकॉट्रिस्ट हो गया तो इन सब में क्या आ रहा था रिलेटेड टू माइंड वर्ड का इस्तेमाल होता है यानी कि सीकी तो सीकी का एग्जाम्पल यहाँ पर सिकोटिक दिया है ठीक है उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है न्यूरॉन तो न्यूरॉन का मतलब ने देखा था रिलेटेड टू नर्व होता है ये नर्व कोई हम न्यूरॉन बोलते हैं बिकॉज जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं नर्व के सेल्स होते हैं तो उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं तो न्यूरॉन का मतलब रिलेटेड टू नर्व हो गया जैसे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे न्यूरोलॉजी पढ़ा था न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ा था न्यूरोलजिया पढ़ा था ठीक है तो ऐसे करके हमने वर्ड्स पढ़े तो न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है जो नर्व की या न्यूरॉन्स की स्टडी करे या आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये वाले सिस्टम को जो पढ़ते हैं वो न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं और, और जो ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपके स्पाइन ब्रेन और ये जितने भी नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे डॉक्टर को ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है लोगोस तो लोगोस का मतलब हमने देखा था क्या होता है साइंस या फिर स्टडी किसी भी चीज की साइंस या फिर स्टडी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम पीछे की तरफ वर्ड यूज करते हैं रूट वर्ड लोगोस ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल है बायोलॉजी जियोलॉजी फिजियोलॉजी ठीक है काफी सारे लॉजी आपने सुने होंगे साइकोलॉजी हो गया ठीक है फिजियोलॉजी हो गया बायोलॉजी हो गया जूलॉजी हो गया ठीक है तो लॉजी का मतलब रिलेटेड टू उसकी साइंस या फिर उसकी स्टडी तो बायोलॉजी का मतलब क्या बायो का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू लाइफ यानी कि लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं ओके नेक्स्ट यहां पर वर्ड है बायोस तो बायोस का मतलब मैंने बता दिया रिलेटेड टू लाइफ या लाइफ हो क्या ठीक है तो बायोप्सी ठीक है हमने वर्ड काफी सारे देखे थे जैसे बायोलॉजी हो गया ठीक है बायोप्सी हो गया तो बायो से रिलेटेड काफी सारे वर्ड होते हैं तो बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि पोस्टमार्टम ठीक है पोस्टमार्टम करते हैं बायोप्सी में दो वर्ड्स आ रहे हैं बायो आ रहा है एक तो या बायोज आ रहा है और दूसरा वर्ड क्या रहा ऑप्सिस तो बायोज ऑप्सिस का मतलब यह होता है या बायोप्सी का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर डेड बॉडी पड़ी है तो उसके नजरिए से अगर डॉक्टर ये देख रहा है कि उसके मरने का कारण क्या है तो उस चीज को हम बायोप्सी कहते हैं ठीक है बायोप्सी मतलब जो डेड बॉडी है डेड बॉडी के नजरिए से अगर डॉक्टर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे मरा है तो उस चीज को हम बायोप्सी कहते हैं ठीक है यानी कि लाइफ के थ्रू उसको विजुअलाइज करना तो बायोस प्लस ऑप्सिस ठीक है तो ये हो गया आपका बायोप्सिस का मतलब पोस्टमार्टम होता है नेक्स्ट यहां पर वर्ड ऑप्सिस या ऑप्टिकोस तो ऑप्सिस op या ऑप्टिकोस का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू विजन यानी कि दृष्टि जो हम देखते हैं ठीक है थीके? तो इसके एग्जांपल इन्होंने ऑटोप्सी दिया है मैंने आपको समझा दिया ऑटोप्सी क्या होता है सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई ऑटप जो होता है वो आपका पोस्टमार्टम होता है बायोप्सी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ह्यूमन बॉडी या किसी भी कोई भी एनिमल की बॉडी है उससे जब हम कोई टिश्यू निकालते हैं एंड उस टिश्यू को क्या करते हैं विजुअलाइज करते हैं या मॉनिटर करते हैं कि भाई इस टिश्यू के अंदर किस टाइप की डिजीजेस के सेल्स पाए जा सकते हैं उस चीज को हम बायोप्सी कहते हैं ठीक है और ऑटोप्सी का मतलब ऑटो का वर्ड मतलब क्या होता है सेल्फ यानी कि खुद से और ऑप्सिस का मतलब होता है देखना तो डेड बॉडी के केस में हम अगर ऑटोप्सी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम होता है बायोप्सी का मतलब क्या होता है कोई भी आप टिश्यू का टुकड़ा ले रहे हो एंड टिश्यू को आप क्या कर रहे हो माइक्रोस्कोप में देख रहे हो कि इस टिश्यू के अंदर आ, किस टाइप की बीमारी हो सकती है जैसे कैंसर वगैरह में होता है जब डॉक्टर को लगता है कि भाई यहां पर कैंसर के चांसेस है तो वो क्या करता है जिस तरफ भी आपके मास की ग्रोथ हो रही होती है बॉडी के अंदर वहां से थोड़ा सा टुकड़ा निकालता है एंड टुकड़ा निकालने के बाद उसको लैब में भेज देता है बायोप्सी के लिए तो बायोप्सी का मतलब क्या होता है डॉक्टर वो जो वहां स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे हम रे, 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 आ, क्या बोलते हैं जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं देखते हैं और देखने के बाद वो ये चेक करते हैं कि भाई इसमें कैंसर सेल है या नहीं है तो उस चीज को बायोप्सी कहते हैं और ऑप्टोसी का मतलब क्या होता है पोस्टमार्टम होता है तो इसके लिए सॉरी हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था वो ठीक है ठीके? तो क्योंकि एक जैसे वर्ड है तो ऑटोपसी का मतलब ऑटो का मतलब सेल्फ यानी कि खुद से और ऑप्सिस का मतलब देखना यानी कि डेड बॉडी के खुद के नजरिए से हम अगर कोई चीज को देख रहे हैं या डॉक्टर्स देख रहे हैं तो उस चीज को हम बायो वो ऑटोप्सी कहते हैं ठीक है या पोस्टमार्टम कहते हैं फिर दूसरा जो एक वर्ड यहां पर ऑप्टिकल दिया ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू आपका आई हो गया या विजन हो गया ठीक है और नेक्स्ट है यहां पर एल्गोस ठीक है तो एल्गोस का मतलब यहां पर क्या होता है पेन एल्गोस का मतलब क्या होता है पेन जैसे न्यूरालिया करके यहां पर वर्ड दिया तो न्यूरालिया का मतलब क्या हो गया पेन ऑफ नर्व अगर किसी की नसों में पेन होता है नर्वस में पेन होता है तो उसे हम न्यूराल्जिया कहते हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पर वर्ड है अगोगोस ठीक है अगोगोस का मतलब क्या होता था लीडिंग ठीक है हमने दो वर्ड्स पढ़े थे जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिए डामागोग और एक और वर्ड हमने पढ़ा था पैडागोग या पैडागॉगी ठीक है तो पैडागॉग या पैडागॉगी हमने जो पढ़ा था या डामागोक जो पढ़ा था तो डामागॉक का मतलब यहां पर क्या होगा डेमागोक आपके दो वर्ड से बना है एक है आपका डेमोस और दूसरा है अगोगोस तो डेमोस का मतलब होता है पीपल ठीक है और और अगोगोस का मतलब लीडिंग यानी कि जो लोगों को लीड करता है उसे हम डामागोग कहते हैं ठीक है तो हो गया और इसी से रिलेटेड हमने एक और वर्ड पढ़ा था डामागॉगरी करके वो इसका नेगेटिव वाला वर्ड था ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर पीडिस ठीक है तो पीडीएस का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू योर यूट यानी कि पाओ से रिलेटेड तो फूट से रिलेटेड जैसे कि हो गया पेडिस्ट्रियन या मैंने आपको बताया था एक फैन होता है ठीक है जिसमें फूट होता है उसका या पेडिस्ट्रियन हो गया क्लियर है तो पेडिस का मतलब फूट हो गया और पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है जो ऐसे लोग हैं जो आ, क्या करते हैं अपने पैरों पे चलते हैं या पैदल चल रहे होते हैं उन्हें हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पर इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है पेडोस तो पेडिस और पेडोस में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है पेडिस का मतलब फूट हमने पढ़ा पेडोस का मतलब क्या होता है चाइल्ड ठीक है जैसे पीडियाट्रिशियन यहां पर एक एग्जाम्पल दिया तो पीडियाट्रिशियन जो है आपके दो वर्ड से बना है एक आपका पेडोस और एक आपका इट्रिया इट्रिया का मतलब हमने क्या देखा था मेडिकल हीलिंग यानी कि ऐसे जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं जो बच्चों की डिजीजेस को मेडिकली हील करते हैं या सही करते हैं उन्हें हम हाँ पीडियाट्रिशियन कहते हैं ठीक है तो पीडियाट्रेशियन कौन होते हैं जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं और इसकी जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है वो क्या होती है पीडियाट्रिक्स होती है नेक्स्ट यहां पर वर्ड है डेमोस डेमोस तो देमोस का वर्ड है मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होता है पीपल तो डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक कैसी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसका मतलब क्या है डेमोक्रेसी मतलब ऑफ द पीपल ठीक है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की सरकार उसके बाद नेक्स्ट यहां पर वर्ड है ऑकुलस तो ऑकुलस का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू आई ऑकुलस्ट यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो आपका आई स्पेशलिस्ट से रिलेटेड होता है ठीक है तो ऑकुलिस्ट हो गया और जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ना ऑप्टिशियन या ऑकुलिस्ट तो वही होता है या फिर आप ही बोल सकते हो जो ऑफ्थेलमोलॉजिस्ट था उसी को हम क्या बोलते थे बोलते थे तो ऑफ्थेलमोलॉजिस्ट जो आपने देखा था कौन होता है जो डॉक्टर होता है जो आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकता है आई से रिलेटेड या आपकी सर्जरी भी कर सकता है ऐसे डॉक्टर को हम ऑफ्थलमोलॉजिस्ट बोलते हैं और उसी के लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है जिसका मतलब क्या है ऑकुलिस्ट तो ओकुलिस का मतलब क्या हो गया रिलेटेड टू आई या फिर आई का डॉक्टर ठीक है एट्रिया एट्रिया मैंने अभी आपको बताया एटीन वाला जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है मेडिकल हीलिंग और ये जैसे एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है पोडियाट्रिस तो पोडस का मतलब या पोडा का मतलब क्या होता है फूट ठीक है जैसे एनिमल किंगडम आप पढ़ते हो तो एनिमल किंगडम जैसे बायोलॉजी का एक टॉपिक है ठीक है तो वहां पे क्या होता है क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था एनिमल्स का तो वहां पे एनिमल किंगडम के अंदर आप एक फाइलम पढ़ते हो जिसका नाम क्या आर्थ्रोपोडा तो पोडा का मतलब क्या होता है और आर्थ्रो का मतलब क्या होता है आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है ज्वाइंटेड लेग्स यानी कि पोडा का मतलब पोडा का मतलब क्या होता है फूट तो पोडियाट्रिस का मतलब क्या हो गया जो फूट से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है तो उसे हम पोडियाट्रिस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर मेट्रॉन तो मेट्रॉन का मतलब क्या होता है मेजरमेंट मेजरमेंट किसी भी चीज का मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो मेट्रॉन जैसे कि हमने वर्ड देखा था ज्योमेट्री होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है ठीक है ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद यहां पर जो एग्जांपल है ऑप्टोमेट्रिक्स तो ऑप्टोमेट्रिक्स का मतलब क्या हो गया ऑप्टो का मतलब या ऑप्टिकल का मतलब रिलेटेड टू आपका आईज हो गया या विजन हो गया और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट करने वाला तो ऑप्टोमेट्रिक्स बेसिकली वो स्पेशलाइज डॉक्टर होता है मतलब डॉक्टर नहीं होता एक ऐसा स्पेशलाइज पर्सन होता है जो आपका आंखों का मेजरमेंट करता है या विजन का मेजरमेंट करता है यानी कि आपकी आंखों में लेंस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वो ये चीज चेक करके बताता है ठीक है और ऑप्टिशियन कौन होता था ऑप्टिशियन वो होता है जो आपके चश्मे बनाता है यानी कि ग्लासेस को ग्राइंड करता है ठीक है तो उसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है जेरास तो जेरास करके हमने वर्ड पढ़ा था जिसके बेस पर हमने एक जिरियाट्रिक्स वर्ड पढ़ा था या जिरियाट्रीशियन पढ़ा था तो जेरास का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू ओल्ड पीपल या ओल्ड ठीक है तो जेरियाट्रिक्स का मतलब क्या हो गया ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिकल फील्ड जो ओल्ड पीपल की प्रॉब्लम्स को डील करती है ठीक है जो बूढ़े लोग होते हैं जैसे उनकी जो आमतौर पर प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे जोड़ों में दर्द रहता है ठीक है और मतलब थकान वकान ऐसी ये सारी चीजें रहती हैं सांस फूलना ये सब चीजें जो रहती हैं वो आपकी जेरियाट्रिक्स वाली जो मेडिकल फील्ड है उसमें आता है और इसके जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं उसे हम जेरियाट्रीशियन कहते हैं तो जेरियाट्रीशियन का मतलब है ऐसे डॉक्टर जो बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करने में माहिर होते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है सोमा तो सोमा का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी ठीक है अब यहां पर एग्जाम्पल जो आपको दिया है वो दिया है सीकोसोमैटिक तो सिकोसोमेटिक का मतलब ऐसा होता था कि माइंड की वजह से आपकी बॉडी पर जो इफेक्ट पड़ता है या बॉडी के अंदर जो डिजीजेस डेवलप होती हैं आपकी सोचने की वजह से ऐसा जो कुछ भी होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं सीकोसोमेटिक बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है पैथोस तो पैथोस का मतलब यहां पर क्या है पैथोस uh, का मतलब यहां पर आपका हो गया जैसे कि ऑस्टियोपैथ है पैथोस का मतलब होता है uh, मतलब कि आप बोल सकते हो अः uh, मतलब किसी भी चीज को सही करना ठीक है जैसे ऑस्टियोपैथ बेसिकली क्या करते हैं कि मसल्स वगैरह जो होती हैं आपको ठीक है तो मसल्स वगैरह की मसाज वगैरह करके मतलब आपकी जो डिजीज मतलब पैथोस का मतलब बेसिकली डिजीज होता है ठीक है जैसे आपने वर्ड देखा होगा जैसे पैथोजन होता है तो पैथोजन का मतलब क्या होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं तो उसी तरीके से पैथोस का मतलब कहता है डिजीज ऑस्टियोपैथ का मतलब मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसे लोग ऑस्टियोपैथ बेसिकली क्या होते हैं स्पेशलिस्ट होता है जैसे हमने किरोप्रैक्टर देखा था वैसे ही ऑस्टियोपैथ होता है तो ऑस्टियोपैथ बेसिकली क्या करते हैं जो हमारी बॉडी है बॉडी में मतलब पूरी बॉडी को ये कवर करते हैं और पूरी बॉडी में देखते हैं कि जहां पर भी जो भी प्रॉब्लम है तो उसको मसाज वगैरह करके ये लोग सही कर देते हैं तो उन्हें हम ऑस्टियोपैथ कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद नेक्स्ट यहां पर ओडोनटोस तो ओडोंटोस का हमने वर्ड देखा था क्या मतलब होता है टीथ होता है तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एग्जोडोंटिस और एक और एग्जाम्पल उसका हो सकता है एंडोडोंटिस और एक और एग्जाम्पल अभी हम ऊपर पढ़ के आए ऑर्थोडोंटिस या ऑर्थोडोंशिया ठीक है तो ये एक्जोडोंटिस का बेसिकली मतलब यहां पर क्या होता है जो दांतों को निकालने में एक्सपर्ट होते हैं एग्जो मतलब बाहर या आउट ठीक है तो एक्सोडोंटिस मतलब जो दांतों को निकालने में माहिर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें हम एक्सोडोंटिस कहते हैं और एंडोडोंटिस का मतलब है कि दांतों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे दांतों के अंदर जो आपके मसूड़े वगैरह हैं या उसके नीचे जो नर्व्स वगैरह होती हैं उन सब की जो चीज है वो लोग करते हैं ठीक है तो उन्हें हम एंडोडिस डॉक्टर कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पोज या पडोस ठीक है तो पोज या पोडोज का मतलब क्या होता है लेग्स होता है जैसे कि एक्जाम्पल इसका है जैसे हमने अभी पोडियाट्रिस्ट पढ़ा था तो उसमें भी पोडोस आया था या पोडिया करके वर्ड आया था तो उसका मतलब लेग्स ही होता है जैसे यहां पर एग्जाम्पल है ऑक्टो ऑक्टोपस तो मतलब ऑक्ट का मतलब एट होता है और ओपस का मतलब या पोस का मतलब क्या होता है लेग्स यानी कि जिसकी एट लेग्स हो तो ऑक्टोपस के पास कितनी लेग्स होती है एट लेग्स होती है उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा वर्ड है पोडियम पोडियम क्या होता है बेसिकली जब स्टेज पे आपने देखा होगा अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पे कि मतलब जैसे कोई भी स्टेज पर बोलने आता है तो उसके सामने एक लकड़ी का कुछ रखा जाता है ठीक है एक लकड़ी का सपोर्ट जैसा होता है जिसपे वो अपने पेपर वगैरह ऊपर रख सकता है जिसके ऊपर माइक वगैरह लगा होता है उसी को हम पोडियम कहते हैं तो पोडियम का मतलब कि लाइक जिसके पीछे वो अपने फीट रख पाए या खड़े रह पाए ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर कीर ठीक है तो कीर का मतलब होता है कि लाइक मतलब कीर का मतलब होता है हैंड मतलब हाथों से किसी चीज को सही करना ठीक है कीरो so, प्रैक्टर जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ठीक है या कीरोग्राफी यहां पर वर्ड दिया तो कीरोग्राफी का मतलब कि हाथों से जो चीज हम लिखते हैं ठीक है उसे हम कीरोग्राफी कहेंगे या हाथों से हम किसी चीज को अच्छे से लिख रहे हैं ठीक है अलग अलग फॉर्म्स में लिख रहे हैं तो उस चीज को उस कला को हम कीरोग्राफी कहेंगे तो कीर का मतलब क्या हो गया आपका हैंड हो गया ठीक है मतलब रिलेटेड टू हैंड तो कीरो प्रैक्टर जैसे मैंने बताया कि हाथों से जो लोगों के जॉइंट और ये स्पाइन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है हड्डी वगैरह की या जोड़ों की प्रॉब्लम रहती है तो कीरो प्रैक्टर उनको सही करते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है ग्राफीन तो ग्राफीन का मतलब क्या होता है टू राइट जैसे हमने वर्ड पढ़ा था ग्राफोलॉजिस्ट पढ़ा था ठीक है या कीरोग्राफर पढ़ा था तो ग्राफीन का मतलब होता है लिखना टू राइट तो ग्राफोलॉजी का मतलब कि लिखने की जो कला होती है उसे हम ग्राफोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर कैलोज ठीक है तो कैलोस का मतलब क्या होता था ब्यूटी तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है कैलीग्राफर या जैसे आप आपने वर्ड सुना होगा कैलीग्राफी तो कैलीग्राफी मतलब क्या होता है ब्यूटीफुल राइटिंग या इसमें जो कैलीग्राफर इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं कैलोस और ग्राफीन मतलब अच्छे से लिखने की जो कला होती है उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं और कैलीग्राफर कौन होता है जो कैलीग्राफी करता है ठीक है <स्थ> नेक्स्ट यहाँ पर पीजी तो पी वाई जी जो ये पीजी है इसका मतलब क्या होता है बुटॉक्स ठीक है बुटॉक्स का मतलब सर्च कर लेना तो बुटॉक्स होता है पीजे के मतलब एंड कैलीपीजियन का मतलब यहां पर क्या है कैली ये जो वर्ड है यहां पर ये कैलोस के लिए इस्तेमाल हुआ है यानी कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुटॉक्स इसका मतलब हुआ तो कैलिपीजियन एक ऐसा व्यक्ति जिसके बुटॉक्स जो है वो ब्यूटीफुल हो ठीक है नेक्स्ट यहां पर है कैकोस तो कैकोस का मतलब होता है हार्श यानी कि कोई चीज बहुत कड़वी सी या ऐसी जो चुभने वाली हो ठीक है तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया वो आपका कैकोफोनी दिया तो कैकोफोनी का मतलब कोई ऐसी आवाज कोई ऐसी शोर या कोई ऐसी जो आपको बहुत परेशान करने वाली है तो उस नॉइज को हम कैकोफोनी कहते हैं ठीक है ठीके? सीनेक्स तो सीनेक्स का मतलब क्या होता था ओल्ड ठीक है जैसे हमने इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े थे सीनाइल पढ़ा था सेनेसेंट पढ़ा था तो सेनेसेंट का मतलब भी क्या होता है ओल्ड होता है ठीक है तो सेनेक्स का मतलब क्या हो गया रिलेटेड टू ओल्ड या ओल्ड एज ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट है एंथ्रोपोस तो एंथ्रोपोस हमने पढ़ा था जैसे कि एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू मैनकाइंड जैसे हमने ऊपर मिजांथ्रोप करके वट पढ़ा था मतलब ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को हेट करते हैं या घृणा करते हैं उनसे तो उन्हें हम मिजांथ्रोप कहते हैं मिसीन का मतलब वहां पर हेट था यहां पर एंथ्रोपोस का मतलब क्या रिलेटेड टू मैनकाइंड जैसे एग्जाम्पल है एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो मैन काइंड के इवोल्यूशन को स्टडी करती है जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ ठीक है ये सारी चीजें जो पढ़ी जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़े जाते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एस्ट्रॉन तो एस्ट्रॉन का मतलब क्या देखा था हमने स्टार देखा था तो एस्ट्रोनोमी एस्ट्रोनोमी मतलब यहां पर दो वर्ड्स आ रहे हैं एक आपका एस्ट्रॉन आ रहा है और एक आपका नोमोज आ रहा है ठीक है तो नोमोस का मतलब क्या होता है किसी भी चीज का ऑर्डर या अरेंजमेंट तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है कि स्टार्स जो होते हैं उनके अरेंजमेंट की स्टडी जो की जाती है जिस ब्रांच ऑफ साइंस में उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पर है और इससे रिलेटेड हमने कुछ और भी वर्ड्स देखे थे जैसे एस्ट्रोनोमर देखा था कॉस्मोनॉट देखा था ठीक है कॉस्मोनॉट तो अभी नीचे वाले से रिलेटेड है जैसे नोटिस करके वर्ड है नोटिस तो नोटिस का मतलब क्या था सेलर ठीक है मैंने आपको बताया था जो नेवी में जैसे शिप वगैरह जो भी होते हैं समुद्र में जो शिप वगैरह चलते हैं उसके लिए यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा किया जाता है नोटिस ओके तो नोटिस का मतलब क्या है रिलेटेड टू सेलर यानी कि जो नाविक होते हैं ठीक है जो समुद्र वगैरह में शिप चलाते हैं या बोट चलाते हैं ठीक है तो वो आपके सेलर हो गए तो नोटिस का मतलब सेलर एस्ट्रोनॉट का मतलब यह क्या हो गया एस्ट्रो का मतलब देखा एस्ट्रोन का मतलब स्टार होता है नोटिस का मतलब सेलर यानी कि जो स्टार्स के बीच में चलना पसंद करते हैं या स्पेस में जो लोग जाते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं और इसी से रिलेटेड हमने एक वर्ड पढ़े कॉस्मोनॉट वो

ठीक है और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और जोडिया जैसे कि जो आपके राशि फल में जो साइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जो आपका एस्ट्रोलॉजी होते, है, होते हैं उसमें जो साइन या सिंबल यूज किए जाते हैं उन्हें जोडियक साइन कहते हैं ठीक है जो आई थिंक बारह होते हैं ठीक है नेक्स्ट उसके बाद है लिंगुआ तो लिंगुआ का मतलब क्या होता है टंग ठीक है लिंगुआ का मतलब क्या होता है टंग जैसे बायलिंग्वल बायल का मतलब कि दो लैंग्वेजेस में जो हम बात कर रहे हैं ठीक है थीके? जैसे अगर कोई भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम जैसे आप कहते हो ना कि हिंदी और इंग्लिश में होगा यानी कि बायलिंग्वल होगा बाइलिंगल मतलब कि दो लैंग्वेजेस यानी कि दो टंग टंग का मतलब कि टंग से आप क्या करते हो बोलते हो बोलते क्या हो भाषा यानी कि लैंग्वेज तो लैंग्वेज के लिए ये लिंगुआ जो वर्ड है वो यूज किया जाता है जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक्स करके ठीक है तो मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट यहां पर फिलीन फिलीन का मतलब क्या होता है आ, फिलीन का मतलब क्या देखा था हमने ग्राफीन का तो आपका राइट हो गया था ठीक है इसका एक बार देख लेता हूं मेरे दिमाग से निकल गया फिलीन का ट्वेल्थ वाला ठीक है सेकेंड में ट्वेल्थ वाला जो है टू लव ठीक है याद आ गया ठीक है तो फिलीन का मतलब क्या ट्वेल्थ वाला जो यहां पर फिलीन है ओके तो फिलीन का मतलब क्या है टू लव जैसे मैंने आपको बताया था कि सोप वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हम डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या न, क्या पढ़ते हैं एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं एक्शन ऑफ डिटर्जेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं दो चीजें पढ़ते थे कि भाई जो डिटर्जेंट होता है या जो सोप होता है मॉलिक्यूल जो उसका होता है उसकी दो साइड्स रहती है एक आपका हाइड्रोफोबिक होता है एक आपका हाइड्रोफिलिक होता है फिलिक मतलब की लव यानी कि पानी से प्यार करने वाला वो पानी की तरफ रहेगा और हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब डरना यानी कि पानी से डरने वाला वो हाइड्रोफोबिया हो गया तो फिलीन का मतलब क्या हो गया टू लव हो गया एंड फिलाडेल्फिया यहां पर एक एग्जाम्पल है ठीक है तो ये इसका एग्जाम्पल जो है इसका आप मेरे को आंसर दोगे अगर आपको पता है ठीक है तो उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बिब्लियन बिब्लियन का मतलब क्या था बुक बिब्लियो फाइल का मतलब क्या होता है जो बुक से प्यार करे फिलीन का मतलब क्योंकि बिब्लियन प्लस फिलीन ये आपका क्या हो गया जो बुक से प्यार करे टू लव बुक ठीक है ऑटोस ऑटो का मतलब क्या हो गया खुद का यानी कि सेल्फ तो ऑटोनोमस यानी कि खुद से जो चीज हो तो उस चीज को हम क्या कहेंगे ऑटोनोमस कहेंगे ठीक है जैसे आपने सुना होगा कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो होती हैं क्या होती हैं ऑटोनोमस होती है ऑटोनोमस मतलब कि उनके खुद के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके वहां पर चलते हैं ओके फिर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर सोशियस ठीक है तो सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन यानी कि साथी तो जैसे हमने सोशल की बात करी थी जो लोग सोशल होते हैं ज्यादा वो लोग क्या करते हैं आसपास अपने मतलब लोगों से बातचीत करना वगैरह वो ज्यादा पसंद करते हैं ठीक है तो ऐसे लोगों सोशल बोलते हैं एंड उसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम ए सोशल बोलते हैं ठीक है जो लोगों से ज्यादा मतलब रखना पसंद नहीं करते और एक और हमने वर्ड पढ़ा था एंटी सोशल एंटी सोशल मतलब जो लोगों के खिलाफ हो यानी कि कुछ वो ऐसी हरकतें करें जो लोगों के अगेंस्ट हो ठीक है तो उस चीज को हम एंटी सोशल कहते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर नोटस तो नोटस का मतलब क्या होता है जो कि काफी क्या हो मतलब आपकी काफी ज्यादा पॉपुलर हो ठीक है तो नोटोरियस बेसिकली कौन होते थे जो बदनाम लोग होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे या नोटोरियस लायर के बारे में हमने पढ़ा था जो काफी ज्यादा बदनाम होते थे ला, लायर्स ठीक है तो वो आपके नो, आ, नोटोरियस हो गए ठीक है नेक्स्ट उसके बाद है समस तो समस का मतलब क्या होता है हाइएस्ट जैसे हमने वर्ड पढ़ा था समेट ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था माउंट एवरेस्ट का समेट तो मतलब कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइएस्ट पीक है ठीक है उसी को हम क्या बोलेंगे माउंट एवरेस्ट का समेट बोलेंगे ठीक है तो इससे रिलेटेड हमने कंज्यूमेट लायर पढ़ा था तो कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है कि कौन का मतलब क्या होता है विद या टुगेदर और मतलब और हाईएस्ट समस का मतलब क्या हो गया हाईएस्ट तो कंज्यूमेट लायर मतलब कि लाइक like, लायर जैसे हमने पढ़े थे ना कंज्यूमेट लायर तो इसका मतलब लाइक like जिन्होंने पूरी मतलब महारत हासिल कर रखी है झूठ बोलने में ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पर वेटस वेटस करके जो हमने वर्ड पढ़ा था रूट वर्ड एंड ये आपका इन्वेट्रेड लायर में आता है तो वेटस का मतलब होता है कोई चीज बहुत पुरानी हो ठीक है या डीप रूटेड हो तो एटींथ वाला अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ठीक है एक बार कंफर्म कर लेते हैं तो एटींथ वाला यहाँ पर लिखा है ओल्ड ठीक है सेकंड में एटींथ जो लिखा है वो ओल्ड मतलब जो चीज आपकी काफी पुरानी हो तो इन्वेटरेट लायर के बारे में हमने पढ़ा था इन्वेट्रेट लायर कौन होते हैं इनविटरेट लायर वो होते हैं जो जिनके अंदर क्या हो पुरानी आदत हो झूठ बोलने की आदत जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता ठीक है तो आ, वेटेस का मतलब क्या हो गया ओल्ड हो गया फिर नेक्स्ट यहाँ पर जेनेसिस जेनेसिस का मतलब क्या बर्थ या फिर ओरिजिन जैसे कि हमने जो है जेनेटिक्स पढ़ा था इससे रिलेटेड वर्ड जो जेनेटिक्स होता है जीन पढ़ा था हमने ठीक है और उसी तरीके से कंजेनाइटल हमने एक वर्ड पढ़ा था जो कि एग्जाम्पल में दिया है तो कंजेनाइटल में कौन का मतलब क्या होता है विद या टुगेदर और जेनाइटल का मतलब जेनेसिस का मतलब रिलेटेड टू बर्थ या फिर मतलब ओरिजिन ठीक है यानी कि जो चीज किसी के साथ बर्थ से होती है या बर्थ के पहले से होती है उसे हम कंजेनाइटल कहते हैं जैसे कि कोई भी कंजेनाइटल डिजीज है तो वो उससे किसी की भी पर्सन के पास उसके बर्थ से होगी क्रोनोस ठीक है क्रोनोस का मतलब क्या था टाइम ठीक है तो क्रोनोस का मतलब क्या है जैसे हमने क्रोनिक वर्ड पढ़ा था क्रोनोलॉजी पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल पढ़ा था ठीक है क्रोनोलॉजिस्ट पढ़ा था तो क्रोनोस का मतलब क्या क्या होता है है रिलेटेड टू टाइम 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 तो तो क्रोनिक क्रोनिक का मतलब कि काफी कि काफी से से यानी कोई चीज चीज बहुत अगर किसी को को उस हम बोलते बोलते हैं हैं पैथोस ठीक है तो पैथोस तो का मतलब तो हमने देख लिया लाइक ऊपर जो हमने एक वर्ड पढ़ा था पैथोस उसका मतलब तो क्या था रिलेटेड टू आपका डिजीज था ठीक है ठीक है और इसके बाद जो है दूसरा एक पैथोस वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है फीलिंग ठीक है तो जैसे हमने सिम्पैथी पढ़ा था पैथेटिक पढ़ा था एपैथी पढ़ा था एपैथेटिक पढ़ा था एम्पैथी पढ़ा था काफी सारे पैथोस से रिलेटेड या फीलिंग से रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे तो वैसी करके आपका एम्पैथी था यानी कि लाइक like किसी की मतलब किसी को इस तरीके से फील करना कि हम उसकी जगह ले पाए तो उस चीज को हम एम्पैथिक कहते हैं ठीक है वैसी हमने सिम्पैथी और बहुत सारे पैथी पैथी के वर्ड्स पढ़े थे हम उसको रिविजन जब करेंगे एलबोरेटेड रिविजन तब हम उसको देख लेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट यहां पर है वर्ड ग्रेगिस या ग्रेग्स तो ग्रेगिस का मतलब क्या था मतलब की झुंड में रहना या हर्ड में रहना हर्ड या फ्लॉक ठीक है झुंड में रहना उस चीज को हम ग्रेक्स या ग्रेगिक्स कहते हैं तो एग्रीजियस का मतलब क्या था कि लाइक मतलब ऐसी चीज जो जिसे हमने देखा था ना एग्रीगियस लायर करके हमने एक वर्ड देखा था ठीक है तो मतलब यह है इसका जो वर्ड है एक बार देख लेते हैं ट्वेंटी सेकेंड का ठीक है हर्ड या फ्लॉक ही होता है तो तो सेकंड का पर फ्लॉक की है है ठीक तो का मेरे को याद नहीं आ रहा सही से कि एग्री -गेस का मीनिंग यहाँ पर क्या था ठीक है अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना ये मैं भी भूल गया क्योंकि आ, एग्री गेस आई थिंक मेरे हिसाब से वही था जो मतलब झुंड में रहना पसंद करते हैं या ऐसे लोग जिनको अपने आसपास लोग रखना पसंद होते हैं तो उन्हें हम एग्री गस कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट uh, जो वर्ड है वो सीएंस था ठीक है तो सीएंस का मतलब क्या है टू नो know या नोइंग यानी कि, कि किसी चीज के बारे में पता होना या पता चलना तो प्री का मतलब क्या देखा था हमने जिसको होने वाली चीज पहले से पता हो यानी कि जो प्रिडिक्शन करते जो भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीज अभी जो है होने वाली है ठीक है उस चीज को हम प्री कहते हैं और उसके बाद ओमनिस ओमनेस जो वर्ड देखा था उसका मतलब क्या था ऑल तो ओमनीस जो हमने देखा था सी का मतलब टू नो तो मतलब जिसको सब चीज पता यानी कि सर्वज्ञानी जो है तो उस पर्सन को हम ओमनीसेंट कहते हैं ठीक है उसके बाद नोमोस जो वर्ड था ठीक है नोमोस नोमोस क्या था नोमोस एक बार देखना पड़ेगा अभी मैंने आपको बताया था हाँ लॉ ऑर्डर या अरेंजमेंट ठीक है तो नोमोस जैसे मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी में बताया था एस्ट्रोनोम में जो वर्ड आता है नोमोस तो नोमोस का मतलब क्या है लॉ ऑर्डर या फिर किसी भी चीज का अरेंजमेंट ठीक है तो नोमोस से रिलेटेड यहाँ पर एक जो वर्ड है वो है आपका मैट्रोनोम तो मैट्रोनोम का मतलब क्या है मैट्रोन का मतलब क्या है रिलेटेड टू आपका क्या हो गया मेजरमेंट ठीक है तो मतलब ये किसी भी चीज का मतलब क्या होता है जो मेजरमेंट होता है एक अरेंजमेंट uh, में ठीक है या लॉ मतलब किसी भी चीज को ऑर्डर से क्या करना मेजर करना तो उस चीज को मतलब मेट्रोनोम आई थिंक मेरे को याद आ है कि एक डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइक ये जो डिवाइस होती है क्या करती है मतलब लॉ या ऑर्डर को किसी चीज के लॉ ऑर्डर को मेजर करती है ठीक है आई थिंक मेरे को याद तो वो पियानो uh, वाला एक्जाम्पल आ रहा है उसके लिए हम मेट्रोनोम यूज करते थे तो जब रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे ठीक है तो कुछ वर्ड्स एक एक जो है निकल जाते हैं दिमाग से तो आपको याद आ रहा हो मेट्रोनोम क्या है या एग्रीगियस क्या है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ठीक है तो ये थे ये हमने सारे जो वर्ड्स हैं रूट वर्ड्स वो हमने यहाँ पर कर लिए मैक्सिमम उसके बाद जो है इसके बाद फिर 19 सेशन है कुछ और भी एक्सरसाइज दिया आप चाहो तो इसको बुक डाउनलोड करके आप खुद से भी कर सकते हो तो सेशन 19 से 23 थ्री ट्वेंटी में जो है अब हम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यानी कि वर्ब के बारे में पढ़ेंगे वर्ब का मतलब क्या होता है लाइक एक्शन ठीक है यानी कि जो कार्य हो रहे हैं या क्रिया जो हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इसको आज जो है नाइनटीन सेशन में अपलोड कर दूंगा फिर ट्वेंटी सेशन हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे तो अभी सेशन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो मजा आया हो पढ़ने में तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर कर सकते हो और इससे पहले के सेशन से अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप जाके चेकआउट कर सकते हो ओके सो थैंक यू एंड हमारा स्टे